राधे राधे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका प्यारा दोस्त कुमार अमरजीत, आल्सो नोन एज द शॉर्ट नेम हम्प्टी डम्प्टी बॉय। यार पता है आज है हमारा डे 3 ऑफ 21 हार्ट चैलेंज। आज सुबह की शुरुआत हुई मेरी 6:30 बजे से, आज थोड़ा सा पहले उठ गया आपका भाई। और पता है आज सुबह सबसे पहले उठते मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, बिकॉज मैंने कल रात में ही सोच रखा था कि मैं इस दिन पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर खत्म कर दूंगा। जितने मेरे पास क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज के हो चाहे गेट के, आज मैंने सुबह सुबह स्टार्ट करे इससे। बट उसके पहले पता है मैंने ना, अब मेरे पास जो दो चश्मे हैं उसमें से जो एक वाला चश्मा है ना, जो छोटा वाला, वो टूट सा गया, एकदम ही टूट गया। उसको फेविक्विक लगा करके जोड़ रखा था थोड़ा सा जुगाड़ू तकनीक से, पर द पॉइंट इज वो रात में टूट गया। एक्चुअली मैं उसके ऊपर ही बैठ गया था। अब मेरा जैसा भारी बंदा एक चश्मे के ऊपर बैठ जाएगा तो उसके साथ क्या ही होगा। तो फिर मैंने जो अपना नॉर्मल वाला चश्मा निकाला, जो नया वाला मैंने बनवाया था, और वो पहन करके मैं पढ़ने बैठ गया। और सबसे मजेदार बात क्या होती है, जब आप फैमिली के साथ रहते हो तो आपको बिना कहे सुबह सुबह चाय बिस्किट नाश्ता इतने मज़े से मिलता है ना, जिसका कोई ठिकाना नहीं। और ऊपर से पूरी की पूरी फैमिली आपकी पेशेंस की, मतलब आपके साइलेंस की पूरा का पूरा ध्यान रखते हैं कि आपको कोई ना डिस्टर्ब कर पाए, ठीक है। तो इन सबों के साथ मैं बैठा अपना काम करने सबसे सुबह सुबह में। मैंने सबसे पहले गेट के ना जो पुराने क्वेश्चंस थे ट्रांसफार्मर के, वो उठाए, क्योंकि यार गेट के जो ये ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चंस होते हैं मेरे को पर्सनली बहुत परेशान करते हैं। अब मेरे को बाकियों का नहीं पता, बट ये मेरे को सबसे ज़्यादा टिपिकल सब्जेक्ट लगता है। साला समझ ही नहीं आता भाई कुछ। मैं एक दिन पढ़ता हूँ, दूसरे दिन मैं भूल जाता हूँ सर, या तो ये मैं भूल जाता हूँ या तो कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आते। इसलिए मैंने सोचा बिना किसी बेवकूफ़ी के ना आज तो मैं सारे क्वेश्चंस लगा दूंगा, ठीक है। और मैंने ट्रांसफार्मर के गेट वाले से स्टार्ट करे, और फिर मैंने लाइक गेट वाले की मैं बात करूँ ना तो अराउंड 80s के अराउंड क्वेश्चंस थे, ठीक है। और मैंने धीरे धीरे करके मतलब नोट्स के साथ और जो पीछे आंसर्स दिए होते उन सबों के सपोर्ट से मैंने उन सबों को ख़त्म किया। और ख़त्म करने के बाद से मैं ना भाई नहाने चला गया, क्योंकि मैं बहुत देर से पढ़ रहा था। अराउंड 10 बजे के बाद तक मैं नहाने चला गया था, और 10 बजे के बाद जब मैं नहा करके आया तो घर से काम मिल गया कि भाई ऐसा है कि कपड़े लगा, तू सिर्फ नहाता है, बैठ के पढ़ता है या फिर खाता है तू? तो मैंने भाई कपड़े लगाए धुलने के लिए। और बताया हमने इस साइड वॉशिंग मशीन रख रखा था, क्योंकि हमारे बगल में ना काम हो रखा है। आपने दूसरे ब्लॉग्स देखे हो तो आपको पता होगा कि क्या कंडीशन है भाई बगल में। तो थोड़ी सी बकैती के बाद से मैंने सारे उसमें सामान डाले, लिक्विड डाला और उसको चला दिया भाई। सेकेंड शिफ्ट में मैं अपने काम करने बैठा तो मैंने ना इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन उठाए, क्योंकि मैंने गेट वाले ना सारे कर लिए थे कॉन्सेप्ट के साथ, और कुछ जो मेरे फंसे हुए थे मैंने क्या सोचा कि या तो उसको मैं अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करूंगा या फिर जो मेरे दोस्त हैं ना उनके साथ डिस्कस कर लूँगा। क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे या ऐसे नॉर्मली वीडियोज़ देखने से अच्छा ना मेरे को डिस्कशन करना अच्छा लगता है। या फिर अगर आपको वीडियो समझ, या फिर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है ना, तो किसी को बगल में बैठ करके पढ़ा दो, वो सारी चीज़ें मेरे को ज़्यादा बेटर लगती है। तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चन उठाया, और फिर मेरे को इस चीज का गिल्ट हो रहा था कि मैं बेवकूफ आदमी क्यों नहीं इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दिया। मैंने इस साल मैंने सोचा पेपर वन तैयार नहीं है तो देने की जरूरत नहीं। फिर क्या था, इन सबों को खत्म करके मैं अपनी प्यारी दीदी के साथ और मैं, हम दोनों जो है ना मुंह फुलाते हुए पहुंच गए गौरतुल्यम। पता है गौरतुल्यम हमारे सोसाइटी से बगल में ही है, और जो मेडिकल वगैरह की शॉप्स है वहीं पे भाई। वहां पे मैं पहुंचा ना तो भैया जी अपने मस्त फोन में लगे हुए थे, वो एकदम से इग्नोर कर दिया था। मतलब एक दो बार बोलने पे उनको समझ में आया, और तब तक मैंने सोचा कि ये सारी दवाइयां भी देख लूं, क्योंकि भाई दवाइयों के जो दाम बढ़े हैं ना 1 अप्रैल के बाद से, मेरे को लगता है कि अगर मैं दुकान ही खोल लूं ना दवाई की तो उसी में माला माल हो जाऊंगा। तो इस बिल को देख करके और अपना सिर खुजलाते हुए मैंने सोचा भाई इसका स्ट्रेस तो उतारना है, और इसका स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम से उतर सकता है। तो मैंने अपनी दीदी को भी एक आइसक्रीम पकड़ाया और मैंने खुद भी पकड़ा। और पता है दवा लेने के बाद से दीदी भी लाइक यार कितने ज्यादा पैसे खर्च हो गए, और मेरे लाइक ठीक है तुम पैसे देखो, मैं तो भाई मस्त आइसक्रीम के मजे लूंगा। और जब मैंने इसको अपना वाला आइसक्रीम दिया ना, लाइक मैंने पिस्ता वाला कुल्फी लिया था और इसने मलाई वाली ली। इसके बाद से जब मैं खेलने पहुंचा ना, मेरे को पता चला कि हो गई है लड़ाई। और भाई बताया मैं भी बात एक्सप्लेन करूंगा। हां क्या हुआ? रात बैटिंग कर रहा था ऐसे बोला ही ना, उसने उड़ा दी वहां, और उसने कैच छोड़ दिया। कैच छोड़ दिया, ठीक है, अंकल के घर पे। अंकल के घर पे ग्राउंड में, ग्राउंड में कैच छोड़ दिया, ठीक है। उसको आगे गुस्सा खाना को, वैसे आपको पता कितने विवाद चलते होंगे। तो फिर खाना ने मजे मजे में उसको बॉल मार दी, नहीं उस पे बॉल मार दी अर्जुन ने, फिर उसके फिर से बॉल मार दी। ओहो वायलेंस, उसे बॉल लगी नहीं। फिर खाना ने स्टंप पे हवा में मारी, अर्जुन बच गया। फिर अर्जुन ने कॉस्ट कंप्यूटर आया और वो नीचे लेट गया, उसके बाद फिर उसने अर्जुन का गला दबा दिया, हम देख रहे थे। तो फिर अर्जुन ने उठा के स्टंप उठा के काना के ऊपर मार दी, और उसके बाद काना ने पत्थर उठा लिया था, अर्जुन ने भी एक बहुत बड़ा पत्थर पत्थर उठा लिया। अच्छा और अर्जुन आ गया उसे फल छोड़ के, शायद
बाद अच्छे होंगे। ग्रो मेकिंग कंटेंट। तो फिर ये जो वायलेंस स्टार्ट हुआ उससे निष्कर्ष क्या है, कौन जीता? अरे नोबल थी, मुझे फ्री हिट नहीं मिली। अरे ये अलग लड़का है, इसे अलग दुख है। अरे लड़ाई फालतू में ही नोबल थी और उसने कैच नहीं पकड़ा, फिर भी लड़ाई कर रहे हैं ये। हैं? नहीं नहीं गलत बात। भैया को अपना कंटेंट मिल गया। फिर क्या हुआ? मैंने उसको उठा के फेंक दिया। तो भाई लड़ाई तेरे से हुई तो तू क्यों पैक कर रहा है? मैम ने बोला है ना। हां तू उनके ट्यूशन पढ़ने जाता है। उसकी मम्मी गया। तो फिर अब क्या निष्कर्ष निकला? मैंने बैच तो ले लो उसका। तो जी भाई अच्छा खासा कंटेंट मिल गया मेरे को थोड़े देर का। लड़ाई हो गई है अच्छी खासी और इस भाई को अभी भी इस बात की समस्या है कि नो बॉल था। ओहो नो बॉल थी, इसने तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, लड़ाई फालतू में, तेरे को बॉल से मतलब है, वो नो बॉल थी। ज्यादा मजा आरिश और मैंने लिया, हम मस्त बैठ के देख रहे थे अपनी बैटिंग से। सुनता पॉपकॉर्न भी ले आता, फिर भूल हो गई भाई। बॉल अर्जुन बॉल लगी तेरी। अरे वो कहां जा रहे हो जी भाई क्या हाल है आपके? मेरे को पता है आपको वीडियोस में बहुत मजा आता है, बट सॉरी फॉर ब्रेकिंग योर फ्लो, दिस इज इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और ये आपका हम्प्टी डम्प्टी भाई तो है ही, रोज रोज नए नए वीडियोस आते रहेंगे। आप ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि देखो पढ़ाई के साथ बच्चोदी रुकनी नहीं चाहिए, और जब तक बच्चोदी है तब तक आपका भाई है, ठीक है? तो साथ मिलकर बच्चोदी करेंगे, साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे और साथ मिलकर ग्रो करेंगे। तो भूलना नहीं है, क्या नहीं करना, भूलना है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, नहीं करोगे तो पाप लगेगा, पाप। तो जल्दी से करो और जल्दी से मिलते हैं एक नए दिन में एक नई ब्लॉग के साथ।